चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर 96 में ग्राम कुशाम मंडल अध्यक्ष जय सिंह द्वारा ऊर्जा मंत्री रमाशंकर पटेल का स्वागत किया गया और मिर्जापुर 96 की जनता की समस्याओं का समाधान के लिए जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली पानी और जिगना कुशाहा का मार्ग जो कि पूरी तरह से टूट गया है, जल्द से जल्द उसे बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए रोशन कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में कुंडा के बहुचर्चित हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। बता दें कि कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह समेत 11 समर्थक नजरबंद रहेंगे। मालूम हो कि राजा उदय प्रताप सिंह ने मुहर्रम के दिन भंडारे की मांग की थी, जिसकी 3 वर्षों से जिला प्रशासन अनुमति ही नहीं दे रहा है। बता दें कि मुहर्रम का जुलूस और ताजिया हनुमान मंदिर के पास से ही गुजरता है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमित महामारी के फैलने व रोकथाम के मद्देनजर भंडारे पर जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। 2 समुदायों के बीच कोई मतभेद ना हो, विवाद ना हो, इसलिए इन लोगों को नजरबंद किया गया है। वहीं कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी है। बता दें कि कुंडा के शेखपुर गाँव का है यह पूरा मामला। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र कुंडा में मुहर्रम के मौके पर अक्सर ये एक कसीदगी रहती है, जिसमें एक भंडारे का आयोजन होता है और साथ साथ में ताजिया का भी निकलना वहाँ से होता है। इस साल कोविड को दृष्टिगत रखते हुए और शासन के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्षों की वहाँ बैठक की गई, उनको इसके बारे में अवगत कराया गया, पाबंद कराया गया है। इसके साथ साथ श्री उदय प्रताप सिंह व 11 व्यक्तियों को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश पर नजरबंद किया गया है। आज शाम से कल देर रात तक के लिए नजरबंद किया गया है। इसके आदेश का तामीला भी सभी लोगों को कराया जा चुका है, सभी लोगों से वार्ता भी कर ली गई है, सभी के द्वारा यह आश्वस्त भी कराया गया है कि कोई किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन या कोई इस प्रकार का जुलूस बिल्कुल भी जनपद में अलाउ नहीं किया जाएगा और सभी लोगों ने इस पर सहमति भी जताई है कि कोई इस प्रकार के जुलूस में प्रतिभाग नहीं करेगा। तो खबरें बस सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव। नमस्कार।